विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। इस सदन में जहां गर्मा गर्म बहस देखने को मिला, तो वहीं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने सरकार से कई लिखित में सवाल किए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी जवाब दिए। देखिए सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने आखिर क्या सवाल किए थे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने पूछे सवाल, सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जवाब। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में सदन के अंदर हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के लिए सरकार से सवाल कर रहे हैं। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने भी सरकार के मंत्रियों से लिखित में सवाल किए, जिसके जवाब सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिए। आखिर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने क्या सवाल किए? दरअसल सिरसा विधायक ने पूछा, क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि सिरसा के मंगला सब माइनर से निकलने वाले सिंतानिया खरीफ चैनल के निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है? इसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जवाब आया, सिंतानिया खरीफ चैनल के निर्माण की परियोजना सरकार द्वारा शुरू की गई है, लेकिन काम शुरू होने की तारीख निश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि इस परियोजना में 148.62 एकड़ जमीन की खरीद शामिल है। अभी तक केवल 62.69% भूमि मालिकों ने कलेक्टर दर पर अपनी भूमि देने की पेशकश की है, बाकी के भूमि मालिक कलेक्टर दर पर अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। जब तक शेष भूमि मालिक अपनी 55.74 एकड़ भूमि कलेक्टर दर पर देने के लिए सहमत ना हो जाएं, इस परियोजना के प्रारंभ होने की संभावित तिथि बताना संभव नहीं है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने एक के बाद एक कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या हिसार रोड, बाजीकन चौक से बंबूर रानिया रोड वाया कंगनपुर नजदीक मिल्क प्लांट, रंगड़ी रोड, खाजा खेड़ा और रामनगरिया शहर तक मिनी बाईपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है? वही जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, अभी नहीं। वही फिर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मेडिकल से संबंधित सवाल किए। सवाल, सिरसा में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का काम कब से शुरू किया जाएगा? जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिरसा की ड्राइंग एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्यकारी एजेंसी HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही है। ड्राइंग एवं विस्तृत प्रोजेक्ट की रिपोर्ट स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य आरम्भ कर दिए जाएंगे। अभी सदन कई दिनों तक चलेगा, ऐसे में उम्मीद है कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा अभी कई और सवाल डाल सकते हैं, जिसका जवाब सरकार के मंत्री को देना पड़ सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट।